भाई ये 6 साढ़े 6 बजे का टाइम रहा होगा और हम दिलकुशा गार्डन जा रहे थे। गंज के आगे तक का ये वीडियो है और ये वीडियो खास हम अपने लखनऊ से दूर रहने वाले भाइयों के लिए बना रहे हैं जो ज़्यादातर लखनऊ को देख नहीं पाते, तो कम से कम ये वीडियो देख के उनका लखनऊ का दीदार हो जाएगा। तो जब भी हम लखनऊ में घूमते रहते हैं भाई, तो अक्सर हम साइकिल के ऊपर ऐसे ही कैमरा लगाए रहते हैं और रिकॉर्डिंग ऑन रहती है जहाँ भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस पेज को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मरीन ड्राइव जो पेज है वो लखनऊ टाइम कैप्सूल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें हम लोग हज़ारों GB इसी तरह का वीडियो रॉ फुटेज स्टोर कर रहे हैं हार्ड ड्राइव्स पे, तो उसके तहत हम ऐसे रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो हमने सोचा जो लखनऊ से दूर भाई रहते हैं, कम से कम उनके लिए हम इस तरह की वीडियो पोस्ट कर सकते हैं जो मेरी रॉ फुटेजेज हैं, भले उसमें कोई कमेंट्री ना हो ज़्यादा, बट कम से कम वो लोग लखनऊ तो देख पाएंगे जो है जो लखनऊ से दूर भाई हैं। तो आपने ज़्यादातर यूट्यूबर्स को और फेसबुक पे सुना होगा कि मेरा वीडियो स्किप मत करिएगा, जो है ये मत करिएगा, और हम आपको बोलते हैं आप स्किप करके आगे बढ़ा बढ़ा के जो भी आपको जगह देखनी है वो आप देखिए हमारे वीडियोज़ में, क्योंकि हमें लाइक्स इन सबसे और ये सबसे मतलब नहीं है, लखनऊ का प्रमोशन करना इस पेज का मेन मकसद है। तो आप चाहे हमारे वीडियो को स्किप करिए, चाहे अपने सीधे पॉइंट पे देखिए, हम तो इसीलिए छोटे वीडियो बनाते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना किसी का। और जो भी आपको चीज़ें पसंद है लखनऊ में, तो हम लोगों ने लखनऊ के हर मॉन्यूमेंट, चाहे कोई मंदिर हो चाहे कोई इमामबाड़ा हो, हर चीज़ कवर करिए, बट आप पुराने वीडियोज़ में देखिए। जो नए भाई जुड़े हैं वो हमसे हमेशा कहते हैं इस चीज़ का वीडियो बनाओ, अरे भाई उनके ऊपर 3-3, 4-4 वीडियो बना चुके हैं, पुराने वीडियो तो आप देखिए एक बार। और मेरी भी गलती है कि हमने बहुत सारे वीडियो कैटेगराइज़ नहीं करें लखनऊ कल्चर, ये सब जो प्लेलिस्ट बनी है मेरे इस पर, तो हमें भी जैसे ही वक्त मिलता है तो हम कैटेगराइज़ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.